में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसको मैं यहाँ टोस्टर में बनाने जा रही हूँ। मैं ये दिखाना चाहूंगी कि हमारे पास गैस टोस्टर है और इसको मैं ऑन कर देती हूँ। गैस को, गैस हमारा ऑन हो गया है। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप नॉर्मली इसे तवे पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे जो हमारा फ्लेम है वो भी लो है और ये जिस साइड मैंने बटन लगाया है इसको हम नीचे की ओर रखेंगे, ठीक इस तरीके से सेट कर देंगे इसको। और इसके ऊपर वाली साइड में भी हम बटन लगा देंगे, अच्छी तरीके से बटन लगा देंगे पूरा फैला के। तो ये हमने बटन अच्छी तरीके से फैला के लगा दिया है। इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। इसको 2 मिनट तक मैं एक ही साइड रहने देती हूँ, फिर इसको हम पलट देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, इसको हम पलट के चेक कर लेते हैं। इसको हम ऐसे पलट लेते हैं और इसको देखिए एक साइड से हमारा गोल्डन हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से बंद करके और दूसरी साइड बेक कर लेंगे। तो इसके लिए भी हमें 2 मिनट इसी तरीके से हम रहने देते हैं धीमी आंच पे। अब यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो हमारी चीज़ है वो मेल्ट हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में और इसको हम बीच में से कट कर देंगे। ऑलरेडी ये कट होता है लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग कर देंगे इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ है किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इसे आप चाहें तो हरी या लाल चटनी के साथ या फिर बिना चटनी के भी आप इसे खा सकते हैं, खाने में बहुत चटपटा बहुत टेस्टी बनाएं।
फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड, मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।